अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान का महीना अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है और आखिरी अशरा स्टार्ट होने को है। सब अपनी शॉपिंग्स में लगे हुए हैं, ईद की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं सब ने थोड़ी थोड़ी, तो हमने भी सोचा अपनी शॉपिंग स्टार्ट की जाए। बच्चों की हम लोगों ने कर ली थी सैटरडे संडे में, लेकिन अब हमारी रह गई थी मेरे हस्बैंड की और मेरी, तो हम लोग लकी वन गए थे। तो अच्छा डेकोरेट किया हुआ था इन्होंने लकी वन में रमज़ान के हवाले से। और जब हम इंटर हुए तो हमने बहुत सारे आउटलेट पे देखा, मुझे अपना सूट लेना था और मेरे हस्बैंड को मेरा। उधर ही मेरी सिस्टर और सिस्टर इन लॉ वो भी आए हुए थे, तो हम लोगों ने सोचा चलो हम साथ शॉपिंग करते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले हम साया पे गए, वहाँ पे अच्छे थे कपड़े। और फिर ये हम अलमीरा पे आए, अलमीरा पे थोड़े रेट हाई थे तो पसंद भी आ रहे थे लेकिन अपनी रेंज के हिसाब से नहीं थे। तो हम लोग जो है आउटलेट काफ़ी हम लोगों ने आउटलेट्स देखी, उसके बाद जो है पसंद भी करते गए। ये जेंट्स भी थे, जेंट्स वेयर भी थे इसमें भी देखे गए, तो कुछ स्टफ़ पसंद नहीं आ रहा था, कुछ कलर पसंद नहीं आ रहा था, कुछ डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा था, किसी ना किसी में कोई ना कोई मसला था। आप लोगों ने अपनी ईद की शॉपिंग कहाँ से करी है और ये बताएं मुझे कहाँ क्या वैरायटी आई हुई है कमेंट बॉक्स में, मुझे ज़रूर इनबॉक्स करें क्या 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 कहाँ कहाँ आया हुआ है, क्या क्या वैरायटी कहाँ है। और ये सूट मुझे पसंद आया था, अच्छा कलर था। ये भी सिस्टर मुझे ये सूट दिखा रही थी, ये भी अच्छा था। और जो है ये इन्होंने अपना जो है सिटिंग एरिया जो सीढ़ियों वाला है इस पर बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया ये एरिया। इन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई थी और जो है लैंप्स लगाए हुए थे इस तरह से, और उस पर डमीज बिठाई हुई थी तख्त लगा के, बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। एक अरबी लुक आ रहा था, अरबी लुक में इन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ था, तो रमज़ान के हवाले से तो बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे भी अट्रैक्ट हो रहे थे इस तरफ और बच्चों ने भी बहुत परेशान किया साथ साथ। हसन ने, खासकर मुस्तफ़ा ने नहीं किया इतना, लेकिन हसन ने बहुत परेशान किया। कहीं कहीं ऑफ़ भी लगा हुआ था, कुछ परसेंट ऑफ, लेकिन अगर आपके पास आपकी रेंज जो है 4000-6000 तक की है तो आपको आराम से लकी वन में ब्रांड्स का अच्छा सूट मिल सकता है। और लेकिन अगर आपकी रेंज थोड़ी नीचे है तो फिर आप लकी वन नहीं जाएं, फजूल है जाना। मैंने यहाँ से अपनी एक कुर्ती ली थी, सूट मुझे पसंद आ रहा था लेकिन जो है बहुत हाई रेट पर था तो मैंने नहीं लिया सूट। मैंने बोला क्या कहते हैं पैसे बचाने चाहिए इंसान को, इतना महंगा सूट क्या करना है लेके, कहीं और से ले लेंगे हम। और मेरे हस्बैंड ने अपना सूट लिया ईद का, वो भी अच्छा था। उन्होंने डाइनर्स लिया था। काफ़ी देर तक तो हम इस सर्चिंग में ही रहे, इनको बहुत लेट पसंद आएंगी। फिर हम आए जे डॉट पे, जे डॉट पे आप बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी, यहाँ ज़रूर जाइएगा आप लोग। और दूसरा आप जे डॉट पे और बनैजा सतरंगी पे आप लोगों को बेहतरीन सूट मिल जाएंगे, बेहतरीन कपड़े मिल जाएंगे 5000-6000 में। आप वहाँ जाके विज़िट कर रहे हैं अगर आप लोगों की इतनी रेंज है तो आपको बेहतरीन कपड़े मिल जाएंगे। बनैजा सतरंगी और खाड़ी पे भी आप जा सकते हैं, खाड़ी की तो खैर बात ही क्या अलग है। फिर हम लोग वो चलते रहते, भूख लगनी शुरू हो गई हसन को ज़्यादा, ये देखिए हसन डांस कर रहे हैं पॉपकॉर्न खाते हुए। तो हमने सोचा कुछ ना कुछ ऑर्डर किया जाए। फिर हम लोग गए, काफ़ी हमने सर्च किया क्या क्या है, कहाँ कहाँ है। मुस्तफ़ा को हमने बेबी चेयर पर बिठा दिया था, फिर हसन के लिए हमने ये डील ली ताकि उनका जो है पेट फुल हो जाए। उसके बाद हमने हसन के लिए डील ली थी, इसमें जो थे गोल्डन चिकन पॉकेट्स थे और उसके बाद ये ड्रिंक थी। तो हसन चिकन शौक से खाते हैं, तो हसन ने जो है ये खाई थी शौक से। और फिर उसके बाद हम अपना ऑर्डर डन करवा के आ गए थे, उसमें टाइम था तो हमने पहले बच्चों को खिला दिया था। हसन ने खूब शौक से खाया ये माशाल्लाह से। उसके बाद जो है हमारा भी डन हो गया था ऑर्डर। इसके बाद हमारे ऑर्डर आ गए थे ये 4 चिकन 2, इसमें वैल्यू पर कर दो तो जिंगर से डील आई हुई थी सॉल्टो पे। और जो है उसके बाद हमने 1 लीटर इसमें ड्रिंक थी। तो अफ्तार तो किया हुआ था हमने, अफ्तार करके घर से निकले थे तो इतनी कोई ख़ास भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी इंसान कहीं जाता है तो फिर कहीं ना कुछ खाना तो ज़रूरी ही बनता है। फिर हमने वहाँ बैठ के ये सब खाया। उसके बाद जो है काफ़ी टाइम हो चुका था हम लोगों को वहीं पर, तकरीबन 12 बज रहे थे। तो फिर हमने दोबारा अपने जो है कपड़ों की तरफ निकले, हमने बोला आप जल्दी जल्दी डन करें, बहुत लेट हो रहा था, बच्चे तंग कर रहे थे नींद की वजह से। फिर हम दोबारा आए खाड़ी पे, वापसी आए। उसके बाद जो है मेरी सिस्टर ने जे डॉट से लिया अपना सूट, और उसके बाद जे डॉट पे भी अच्छी वैरायटी थी। और इधर हम आए थे आइडियाज़ पे, आइडियाज़ पे कुछ समझ नहीं आया ख़ास। जे डॉट पे हम लोग विज़िट करते रहे, खाड़ी पे भी अच्छा था। और उसके बाद जो है चपर पे आए, यहाँ पे भी कुर्ते देखे,
लेकिन इनको जो है जिसमें इनको शेरवानी कॉलर चाहिए था, जिसमें कुछ कलर का मसला आ रहा था, इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। सारी तक ये हमने आउटलेट देख ली थी, पर दो तीन आउटलेट थी जो हम नहीं देख पाए थे। और उसके बाद फाइनली फाइनली हम लोगों ने जो है अपनी शॉपिंग कंप्लीट करी, मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरे हस्बैंड ने। उसके बाद जो है हम लोग घर की तरफ चलने का इरादा किया, तो जो है हम घर की तरफ आए। और उसके बाद जो है हमने सोचा कि हम घर की तरफ चलते हैं, और काफ़ी टाइम हो चुका था। फिर इसके बाद हम लोग जो है अपने पार्किंग की तरफ जा रहे थे जहाँ से हमें जाना था, और जहाँ इस तरह से हम घर वापसी आ गए थे। और बच्चों ने तंग किया हसन को जो, और बहुत टाइम हो चुका था। हम घर पे आए तो 1:30 बज रहा था। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।